पीयूष जैन ने कितनी की है टैक्स चोरी, सामने आया कानपुर के कुबेर का अरेस्ट मेमो। उत्तर प्रदेश के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज के घर से मिले अकूत खजानों की खबर अब पूरी दुनिया को हो गई है। पीयूष जैन के घरों से छापेमारी के दौरान करीब 196 करोड़ रुपए कैश, 23 किलो सोना और 600 किलो चंदन के तेल मिले हैं। इस हिसाब से पीयूष जैन के घर से 213 करोड़ रुपए की जब्ती हुई है। इस बीच पीयूष जैन का अरेस्ट मेमो भी सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि कानपुर से रेड में मिला पूरा पैसा पीयूष जैन के कारोबार का है और उसने टैक्स की चोरी की है। पीयूष जैन के अरेस्ट मेमो के मुताबिक कानपुर से मिला पैसा पीयूष जैन के कारोबार का है। ट्रांसपोर्टर प्रवीण जैन की कंपनी त्रिमूर्ति फ्रेग्रेंस के यहाँ छापेमारी हुई, जिसमें पान मसाला और सुपारी भेजने में GST चोरी का पता चला। रेड में फेक इनवॉइस मिले और कंपनी से जुड़े शैलेंद्र मित्तल के बयान लिए गए, उन्होंने गड़बड़ी मानी। फिर 22 से 25 दिसंबर के बीच पीयूष जैन के कानपुर के घर में छापेमारी हुई। आगे बताया गया है कि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों में 2021 में केवल 21 करोड़ का लेन देन दिखाया गया है, जबकि पीयूष जैन की तीनों कंपनियों ने 4 सालों में 177.45 करोड़ का सामान भेजा। इसका मतलब ये हुआ कि हर साल उन्होंने 45 करोड़ का सामान बिना GST दिए भेजा। इस तरह उन्होंने पिछले 4 सालों में 31.50 करोड़ की चोरी की। इस केस में GST चोरी करने के लिए जिस तरीके को अपनाया गया और केस से जुड़े बाकी लोगों से भी पूछताछ होनी है और जिस तरह के सबूत मिले हैं, उसके हिसाब से पीयूष जैन जांच को प्रभावित कर सकते हैं, सबूत मिटा सकते हैं। इसलिए इस तरह के मामले की गहन जांच बहुत ही ज़रूरी है। GST की टीम ने 7 जगहों पर छापेमारी की, यही वजह है कि पीयूष जैन की गिरफ्तारी हुई। बता दें कि पीयूष जैन के कानपुर और कन्नौज वाले घरों में हुई छापामारी का अब तक का ओवरऑल अपडेट आ गया है, जिसके मुताबिक अब तक कुल मिलाकर टोटल सीजर 213.45 करोड़ रुपए का है, जिसमें कैश, सोने और चंदन के तेल की कीमत भी शामिल है। कुछ बरामदगी को इस तरह से समझा जा सकता है कि कानपुर से 177.45 रुपए कैश बरामद हुए हैं, जबकि कन्नौज से 19 करोड़ रुपए मिले हैं। वहीं 23 किलो सोने की ईंट भी मिली है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए है। इसके अलावा चंदन की लकड़ी का तेल भी मिला है जो 600 किलो है और उसकी कीमत 6 करोड़ रुपए है। इस तरह से DGGI की टीम ने कैश और सामान सहित कुल 213.45 करोड़ रुपए जब्त किए हैं।